गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको अपना अडेनियम का कलेक्शन दिखाती हूँ। एक मेरा ये अडेनियम का मदर प्लांट है, ये मैंने इसका वीडियो पहले डाला था। ये देखिए मैं दिखाऊँ इसको, इसमें ये यहाँ से गल गया था तो मैंने ये नीचे से इसको बिल्कुल कट कर दिया था। देखिए ये पूरी इसकी स्टेम जो थी वो गल गई थी, तो इसे मैंने कट करके दोबारा लगाया था, रिवाइव किया था लास्ट ईयर। और उसके बाद ये अच्छा चलता रहा, फ्लावरिंग भी हुई थी इसमें, ठीक हो गया था। और अभी मैंने ये 15-20 दिन पहले इसकी कटिंग कर दी थी। हालांकि बरसात का समय है, ये अगस्त का महीना है तो बरसात में इसकी कटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल पानी बारिश का इसमें नहीं गिरता है, क्योंकि देखिए इसमें ऊपर ये छत है इसकी, इतना स्लैब निकला हुआ है, इस अलमारी में रखा हुआ है ये, तो यहाँ धूप तो इसको पूरे दिन की मिलती है, लेकिन बारिश का पानी जो है वो थोड़ा बहुत साइड में, इधर साइड में भले ही आ जाए लेकिन पूरा स्टेम तक नहीं जाता। बस मैंने एक दिन इसको थोड़ा सा बारिश का पानी दिया था 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने इसे अंदर की तरफ रख दिया था। देखिए इसकी जब मैंने कटिंग की थी तो एक एक ब्रांच जो मैंने इसकी काटी थी उसमें देखिए ये दो दो जगह से, ये हर ब्रांच पे देखिए दो दो जगह से इसमें से ये पत्तियां निकल रही हैं। ये देखिए किसी किसी में तो तीन तीन चार चार जगह से निकल रही हैं। देखिए ये देखिए, इसकी जब हम मैंने लिया था उस समय केवल इसकी ये दो ब्रांच थी, और इसी तरह से कट कर करके मैंने ये इसकी इतनी सारी ब्रांच बनाई है। अब जो कटिंग की है मैंने तो ये और बुशी हो जाएगा। ये वाला मेरा सिंगल पेटल वाला अडेनियम है, और ये मेरा डबल पेटल वाला। ये देखिए इसकी भी मैंने कटिंग कर दी थी और अब इसमें भी पत्तियां निकलने लगी हैं। तो अभी ये इसकी जब मैंने लिया था तो इसकी भी ये दो ब्रांच थी, और उन्हें मैंने जब यहाँ से ये कट किया तो ये देखिए ये इसकी दो ब्रांच निकली थी, और ये वाला कट किया तो फिर ये ब्रांच निकली है, और ये वाला कट किया तो इसकी ये दो ब्रांच हो गई थी। अब ये और कट किया है तो इसकी मल्टीपल ब्रांचेज हो जाएंगी इस पर। तो जितनी ब्रांचेज ज़्यादा रहती हैं उतनी उसमें बर्ड्स ज़्यादा आती हैं और उतनी फ्लावरिंग अच्छी होती है। इसकी कटिंग भी मैंने फेंकी नहीं थी दोनों अडेनियम की। ये देखिए ये वाला तो ये वैरीगेटेड वाला अडेनियम था, उसकी मैंने कटिंग लगा दी थी। देखिए ये भी अच्छी हो गई है, अब ये लगाए हुए मुझे करीब 15-20 दिन हो गए जब इसकी कटिंग की थी, तभी मैंने लगा दी थी केवल फंजीसाइड डाल के। और एक इस एक जो देसी वाला है मेरा, उसकी ये वाली कटिंग लगाई थी मैंने ये इस गमले में। तो ये दोनों ही कटिंग अब अच्छे से हो गई हैं। ये मेरा पुराना गमला है, देखिए इसमें तो मेरी बहुत सारी कटिंग ये लगी हुई हैं। इन कटिंग्स का यही रहता है, देखिए वैसे नीचे से तो ये मोटी हो रही हैं, लेकिन मतलब इसका ये कॉर्टेक्स नहीं बनता मोटा, जैसे ये इस तरीके का ये जो है इसका, या ये है मोटा, ये इस तरीके से नहीं होगा, ये केवल ऐसा ही रहेगा। ये थोड़ा थोड़ा मोटा नीचे से हो जाएगा, लेकिन जो गोलाई में जो स्टेम की जो खूबसूरती होती है वो नहीं रहेगी इसमें। तो ये तो मेरे पुराने वाले अडेनियम और उनकी कटिंग्स हैं। ये मैंने कलकत्ता की नर्सरी से और 5 अडेनियम मंगाए थे जो मेरे वेरीगेटेड हैं। अभी इसमें फ्लावरिंग तो नहीं हुई, छोटे छोटे हैं पौधे ये, तो मैंने 5 मंगाए थे। देखिए एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और ये 5वां। तो जब मैंने ये मंगाए थे नर्सरी से तो केवल इनकी हाइट इतनी थी, अब देखिए ये थोड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए ये 5वां अडेनियम है, मैं दूर से दिखाती हूँ इसको, ये नए हैं मेरे अडेनियम। ये पूरा मेरा अडेनियम का कलेक्शन हो गया। इनमें अगर आपको कोई पत्ती सूखी दिखाई दे, या मिट्टी का भी ध्यान रखें, बारिश का समय है तो इन पर डायरेक्ट ज़्यादा बारिश ना गिरे, अदरवाइज़ ये इसका ये स्टेम जो होता है ये गल जाता है, तो थोड़ा इनका ध्यान रखना पड़ता है। इनको धूप तो चाहिए पूरी, लेकिन
बारिश का पानी इन पे ज़्यादा ना गिरे। अभी तो इनको साल भर लगेगी, तब जाकर कहीं इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो पता चलेगा। वैसे मैंने जो सेलेक्टेड इसमें कलर के मंगाए हैं, ये एक येलो था, दो पिंक थे, एक रेड था, एक मैरून है। अब लेकिन फ्लावरिंग होगी तब पता चलेगा कि कैसे हैं, लेकिन ये मेरे पांचों प्लांट अच्छे चल रहे हैं। तो आज मैंने मेन मकसद मेरा यही था कि मैं आपको दिखाऊं कि बरसात में भी अगर आप अडेनियम की कटिंग कर दें तो उसको बारिश का पानी उसके स्टेम पे ना गिरे ज़्यादा, तो आपका अडेनियम सुरक्षित बचा रह सकता है। देखिए सभी में नई नई इसमें पत्तियां निकल रही हैं और ये अडेनियम भी मेरा एकदम ठीक है दोनों। इनको थोड़ा सा इसका जो स्टेम होता है इसको हमेशा जब भी आएँ तो टच करके देख लें। इसकी कटिंग मैं वैसे पहले भी कर सकती थी, लेकिन मुझे थोड़ा गर्मियों में मैं बाहर घूमने चली गई थी, उसके बाद मेरे यहाँ रिलेटिव इतने आए तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और अब लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इसकी कटिंग अभी नहीं करूँगी तो सर्दियों के बाद में थोड़ा बरसात के बाद थोड़ा सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो जाता है और जो सर्दियों का विंटर जो टाइम है वो इसका डोरमेंसी वाला समय रहता है। तो अगर हम अभी कटिंग कर रहे हैं तो देखिए इसकी पत्तियां निकल आएंगी और थोड़ा ये पौधा भी जो है स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। सर्दियों में थोड़ा पौधे को छेड़े ना, ज़्यादा कटिंग वटिंग कुछ ना करें, क्योंकि ये पौधे सारा अपनी पत्तियों को गिरा देता है वैसे ही और कोई ग्रोथ नहीं होती। लेकिन जब फरवरी तक ये पहुँचेगा तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसमें मल्टीपल ब्रांचेस तो हो ही जाएंगी और अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसमें अभी तो बारिश का समय है तो थोड़ा सा मैं बारिश का पानी इसको महीने में एक आध बार आगे अंदर थोड़ा बाहर सरका देती हूँ इधर की तरफ को गमले को, इसको जैसे अभी इधर है थोड़ा इधर कर दूंगी तो ये बारिश का पानी जो है थोड़ा बहुत ऊपर से गिरेगा, लेकिन ज़्यादा पानी ना लगे इनमें, इतना ध्यान रखें। कटिंग करने के बाद में तो ये देखें जो इसका ये वाला एरिया होता है, इस पर मैंने फंजीसाइड लगा दिया था, तो इस एरिया पर अगर पानी गिरेगा तो यहाँ से ये पूरा ये गल जाएगी इसकी डंडी और बहुत जल्दी इसकी डंडी अब बेकार हो जाती है। और एक बार अगर ये गलने लग जाए तो जो इसकी रॉटिंग स्टार्ट हो जाए अगर, तो फिर वो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अडेनियम मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए ही मैंने मंगाए थे नर्सरी से भी। ये करीब 150 रुपए के प्लांट आए थे मेरे पास और कलकत्ता से मंगाए थे, तो इसका जो मंगाने वाला चार्ज था, डिलीवरी चार्ज भी लिया था उन्होंने, लेकिन मेरे पौधे सभी अच्छे चल गए तो मेरे पैसे इसमें वसूल हो जाते हैं। और गार्डनर्स जो अपने घरों में पौधे लगाना पसंद करते हैं उनके लिए ये कोई फिजूल खर्ची भी नहीं होती, जब पौधे अच्छे चलते हैं तो बहुत खुशी होती है। ये अडेनियम जो प्लांट है इसको कोई केयर नहीं ज़्यादा करनी पड़ती, इसमें बस आप कभी कभार जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो या तो DAP लगा सकते हैं या फिर इसमें मैं तो गोबर की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र रहता है वो अधिकतर देती हूँ। लेकिन बस इसका पानी जो है देते समय ये देखें, जैसे अभी इसकी देखिए मिट्टी में आपको दिखाती हूँ, मैंने भी इसमें 3-4 दिन पहले थोड़ा बरसात का पानी इसमें थोड़ा बाहर सरका दिया था तो बरसात का पानी आ गया था, तो ये मिट्टी मेरी अभी गीली है लेकिन देखिए एकदम भुरभुरी मिट्टी है। और इसमें जो है अगर बंधी हुई मिट्टी होगी तो वो पानी को सोख के रख लेती है, ये इसमें पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। ड्रेनेज सिस्टम भी इनका ठीक रखिए, देख के रखिए कि इसमें जो है पानी रुके नहीं और उसकी कोई इतनी खास केयर नहीं करनी पड़ती। अगर आपको इसमें केमिकल खाद लगानी है, आपके पास गोबर की खाद का अरेंजमेंट नहीं है, तो आप इसमें DAP के 4-5 दाने आप इसमें साइड में महीने में एक बार डाल दें। और सर्दियों में तो इसको कोई खाद ना दें क्योंकि इसका डोरमेंसी वाला पीरियड है, तो ये उस समय तो बिल्कुल ये मानिए सो ही जाता है, उस समय इसको किसी खाद की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।